फांसी की सजा पाई शबनम के 12 साल के बेटे ने मां के लिए राष्ट्रपति से लगाई माफी की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनउदय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। उत्तर प्रदेश में अमरोहा के बानवखेड़ी हत्याकांड में फांसी की सजा पाने वाली शबनम के 12 साल के बेटे ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपनी माँ के लिए माफी की गुहार लगाई है। वारदात के वक्त शबनम 2 महीने की गर्भवती थी। इस बच्चे का जन्म जेल में हुआ था। गौरतलब है कि राष्ट्रपति शबनम की दया याचिका खारिज कर चुके हैं। अब अपनी मां की और से बेटे ने उनसे माफी की गुहार लगाई है। शबनम आजाद भारत में फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला अपराधी हैं। उसने 14 अप्रैल 2008 की रात अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले में पकड़े जाने के बाद शबनम ने जेल में अपने बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद से उसके एक दोस्त ने उसे गोद ले लिया था। आज उस बच्चे की उम्र 12 साल है। उसे मां की फांसी दिए जाने की बात सुनी तो राष्ट्रपति से माफी की गुहार लगाई। 12 साल की छोटी सी उम्र में बच्चे को अपनी मां के गुनाहों का एहसास है। उसे गोद लेने वाले शबनम के दोस्त ने बताया कि उसने राष्ट्रपति से अपनी मां के लिए माफी की मांग की है। शबनम के चाचा और चाची ने उसे जल्द फांसी देने की मांग की है। राष्ट्रपति द्वारा शबनम और सलीम की दया याचिका खारिज करने की बात दोनों ने खुशी का इजहार किया। शबनम की चाची ने कहा, हमें तो खून का बदला खून ही चाहिए, हम तो यही चाहते हैं कि इसे फांसी जल्द से जल्द हो जाए। चाची ने कहा कि उस वक्त हम घर पे नहीं थे, नहीं तो ये हमें भी मार देते। तो फिलहाल ये मामला हिंदुस्तान के अंदर पहला है जहां पे एक महिला को फांसी दी जाएगी। उक्त अभी फांसी की डेट जो है वो निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्द उसके ऊपर भी सुनवाई होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें, देखते हैं जनउदय न्यूज। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जनउदय and hit the bell icon.